वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक नए टैब के बारे में पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट के, और उस टैब का नाम है डिजाइन टैब। इससे पहले हम होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ चुके हैं, उसे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो आज हम डिजाइन टैब के बारे में देखेंगे, ये आपका डिजाइन टैब जो है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन टैब के लिए पहले कुछ मैटर हम बना लेते हैं, कुछ भी मैटर। एक स्लाइड हमने तैयार कर लिया, और भी स्लाइड ले लेते हैं। होम में जाकर न्यू स्लाइड और भी ले लिया, और भी न्यू स्लाइड कर दिए। ये हमने आपको तीन हमने तैयार कर लिया, ये आप देख रहे हैं स्लाइड। कुछ भी मैं अपने मैट्रिक्स लोरम और रैंड कमांड द्वारा हमने लिख लिया। अब थोड़ा कलरफुल वगैरह भी कर देते हैं। ये हमने तीन स्लाइड बना लिया, आप ही देखिए कुछ भी था स्लाइड। ये आपका वन है और स्लाइड आपका टू है और स्लाइड थ्री। इसमें कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखा गया है, एग्जांपल के तौर पर है। इंटरनेट के बारे में कुछ लिखा गया है, एग्जांपल के तौर पर है, पर हमने एक्चुअल वो चीज नहीं लिखा है। तो अब हम देखते हैं डिजाइन टाइप क्या करता है। अब ये सिंपल से इसको रन कराइए, F5 दबाइए। आप कीबोर्ड से F5 दबा देंगे स्लाइड रन करने लगेगा। अब ये देखिए फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड और थर्ड एकदम अच्छे से आ रहा है। अगर आपने फिर से अगर स्लाइड टैब से रन कराना है, स्लाइड शो में जाइए, यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट दिया है, फ्रॉम करंट करेंगे तो स्लाइड नंबर 3 से रन करेगा जहां आपका कर्सर है। ये देखिए इसमें स्लाइड नंबर 3 है, अगर फ्रॉम करंट करिए केवल 3 वाला ही रन करेगा, इंटर दबाएंगे खत्म हो जाएगा। फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे शुरुआत से रन करेगा, सेकेंड थर्ड खत्म। अब जैसे आपने स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग किया, एक स्लाइड देखा, अब आप यहीं पर आगे नहीं देखना चाहते, स्किप दबा दीजिए, कीबोर्ड से इसके बटन बंद हो जाएगा। ठीक है, अब डिजाइन टैब में देखिए, ये तो आपने देख लिया, अब इसको हमें और अट्रैक्टिव बनाना है तो बिना मेहनत के आप बना सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, ये देखिए अब कैसा दिख रहा है। देखिए कंप्यूटर का लिखने का ढंग बदल गया, टेक्स्ट लेटर अपने आप बदल गए, अलग से थीम हो गया बहुत जबरदस्त ढंग से। और भी है, इसको देखिए है ना सुंदर, अपने आप अच्छे अच्छे डिजाइन बन जा रहे हैं। और भी देख लेते हैं हम, ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, ये देखिए देखा कितना अच्छा डिजाइन, बहुत अच्छी डिजाइन अपने आप बन गई। और जो कि हमने एक नॉर्मल सा बनाया था, और ये थीम का कमाल है। अब इस थीम में से भी जैसे इसके इस थीम यही चाहिए, लेकिन कलर कुछ चेंज हो, कुछ चेंज हुआ, चेंज इधर नहीं दिख रहा है, इसमें से कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। इफेक्ट में देखते हैं, हर पर अलग अलग दिखता है फॉन्ट,
देखिए देखिए आप चेंजिंग दिख रही है ना, हर थीम पर देखिए न्यू शक्ति कॉलेज, देखिए ध्यान से देखिए बदल गया ना, तो ये बदलेगा, कलर से भी बदलते हैं, सब थीम पर कलर नहीं चेंज होते आपके, लेकिन कुछ पर चेंज होते हैं, अभी जो कोई दूसरा थीम लेते हैं हम लोग, देखिए चेंज हो रहा है ना, देखिए उस थीम पर कलर नहीं चेंज हो रहा था, लेकिन इस थीम पर देखिए ये देखिए कलर इस टाइप से हो गया, ये तीनों और इफेक्ट ध्यान से देखिएगा आप, यहां पर यहां न्यू शक्ति कॉलेज के बगल बॉर्डर देखिए, ये देखिए मोटा हो गया और मोटा, पतला एकदम पतला, मतलब इफेक्ट भी काम कर रहा है, हर थीम पर अलग अलग काम करता है आपका ये, आपने इसका यूज देख लिया। अब इसमें जो जैसे बैकग्राउंड स्टाइल, जैसे ये बैकग्राउंड ग्राफिक्स दिख रहा है आपको, देखिए आपको दिख रहा है ना ग्राफिक्स, देखिए दिख रहा है, इसे हटाना है, देखिए ग्राफिक्स गायब हो गया, जो भी ग्राफिक्स आपने क्लिक कर देंगे ग्राफिक्स गायब हो गया, फिर क्लिक करिए आ जाएगा बैकग्राउंड स्टाइल, अगर इसका बैकग्राउंड कुछ अलग ढंग से ऐसे लगाना है या इस टाइप से लगाना है, देखिए आप बदल सकते हैं, ठीक है डिजाइन का है आपका, आप इजीली इसको कर सकते हैं। और देखिए अब ये पेज है आपका, ये पेज आप देखिए लैंडस्केप दिख रहा है, मतलब ऊंचाई कम है चौड़ाई ज्यादा है, इसको लैंडस्केप कहते हैं, अगर ऊंचाई ज्यादा करनी हो चौड़ाई कम करनी हो तो उसे पोर्ट्रेट कहते हैं, यहां चलिए पोर्ट्रेट अब ऐसा दिखेगा, अब रन कराइए इस टाइप से रन करेगा, और अगर आप लैंडस्केप कर देंगे तो ऐसे रन कराएगा, देखा आपको। अब पेज सेटअप करना है, जैसे कौन सा पेज आपको यूज करना है, A4 पेज यूज करना है, तो भाई ये है पोर्ट्रेट है, स्लाइड्स बता रहा है और नोट्स, अब आपको सर ये क्या है, ये तो स्लाइड हो गया ठीक है, लैंडस्केप सर ये क्या है, स्लाइड के नीचे एक पेज का स्पेस होता है जहां स्लाइड्स के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, वो पोएट्री फॉर्म में है, कहो सर ये कहां पर है, चलिए दिखाते हैं, अब कौन सा ये पेज की लंबाई चौड़ाई दिया है, इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं आप, या कोई यहां से A4 पेज हम बाय डिफॉल्ट यूज A4 कर दीजिए, ओके आपकी स्लाइड A4 जैसी हो जाएगी। अब कौन सी वो मैटर कहाँ है जो नीचे था, यहाँ है मैटर, इक्वल टू LOREM, लोरेम लिखिए, इंटर मारिए, ये देखिए आ गया, कौन सर ये दिख नहीं रहा, देखने के लिए व्यू में चलिए नोट्स पेज करिए, अब देखिए नीचे का मैटर दिख रहा है ना जो अभी मैंने लिखा, ये इसे आपको कहते हैं, फिलहाल अभी हम व्यू का अलग से देखेंगे, ये था आपका व्यू में नॉर्मल कर दीजिए, ये था आपका डिजाइन का, मैंने डिजाइन का पूरे ऑप्शन बता दिए एकदम बेहतरीन ढंग से, और ये आपको ऑप्शन मैंने बता दिया है, ठीक है ना, तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये डिजाइन टैब बहुत बहुत